हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग में डीजी विद गुंजन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले न्यू फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें। तो आज की मैं जो रेसिपी लेकर के आई हूँ ये थायराइड में भी बहुत फ़ायदा देती है, तो इस रेसिपी को पूरा देखिए। तो आज मैं लेकर के आई हूँ बनाना स्मूदी की रेसिपी। आज मैं दो तरीके से बनाना स्मूदी बनाना बताऊँगी, एक तो बच्चों के लिए हेल्दी और दूसरी वेट लॉस के लिए है। तो आज की मेरी दोनों रेसिपीज़ बहुत ही यूज़फुल हैं, तो मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बनाना को पील कर लेंगे और फिर मैंने उसको हाथ से तोड़ करके मिक्सिंग जार में डाल दिया है। यहाँ पे मैं एक ग्लास शेक बना रही हूँ, तो मैंने एक बनाना यूज़ किया है। ये स्मूदी बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर मैं दूध डाल रही हूँ। दूध मैंने एक गिलास से कम लिया है और मैंने पहले इसमें दूध डाल दिया, थोड़ी सी चीनी डाल दी, फिर इसको शेक कर देते हैं। पहली बार जब शेक करेंगे तो बनाना अच्छे से पिस जाएगा। इसमें बाकी का बचा हुआ दूध भी और डाल देंगे। तो इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अलसी के बीज का पाउडर। अलसी के बीज का पाउडर बहुत ही गुणकारी होता है। शेक में मैं एक चम्मच अलसी के बीज का पाउडर डाल दे रही हूँ और साथ में मैं डाली हूँ पीनट बटर। पीनट बटर भी मैं एक चम्मच डाल देती हूँ। इसकी रेसिपी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर। अब दोबारा चर्न कर लेते हैं। आइस क्यूब्स भी मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये देखिए बनाना स्मूदी बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही हेल्दी बनी है। अलसी के बीज को अगर आप बच्चों को खिलाएंगे तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। साथ में पीनट बटर से प्रोटीन भी बच्चों को मिलेगा, तो ये बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। ब्रेकफास्ट में ज़रूर बच्चों को दें। तो दूसरी स्मूदी मेरी ये वेट लॉस की स्मूदी है, तो इसको भी ट्राई करिएगा। तो चलिए इसको भी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस स्मूदी को अगर ब्रेकफास्ट में डेली लेंगे तो आपको काफ़ी फ़र्क इससे दिखेगा कि आपको काफ़ी वेट लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले बनाना को तोड़ के उसी तरीके से मिक्सिंग जार में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ऑरेंज जूस आधा गिलास और यहाँ पे मैं शुगर का एडिशनल यूज़ नहीं कर रही हूँ। साथ में मैं डाल रही हूँ अलसी के बीज का पाउडर और इसके अलावा मैं डाल रही हूँ इसमें एक चम्मच योगर्ट या गाढ़ा दही और फिर इसको पीस लेते हैं। तो देखा ना आपने कितनी जल्दी ये बनाना ऑरेंज स्मूदी बन करके तैयार हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनी है, टेस्टी बनी है। अलसी का बीज का पाउडर वेट लॉस में बहुत फ़ायदा देती है, तो फटाफट बनाइए। और आपको दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो एक और नई रेसिपी के साथ मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।